हेलो एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिक्स में, जिसकी यूनिट 1। इसमें हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, और इसके जो ऑर्गेनोलेप्टिक जो एजेंट्स होते हैं उसके बारे में। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एड्स का क्या यूज होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज है, ठीक है, मेडिसिन बनाने में किस तरीके से, मतलब ये जो है सहायक होते हैं एक तरीके से, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब होता है सहायक, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। तो इससे पहले मैंने जो है इसके फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर दो जो है कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, जो पूरी तरीके से कंप्लीट है वो उनको आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद अब ये जो अगला चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक पार्ट और एक यूनिट और बनेगी जो अगले लेक्चर में आएगी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया। तो चलिए, इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने इसकी जो है बेसिकली डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, और इनका यूज जो है किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन बनाने में। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इसमें इसकी बेसिकली डेफिनेशन। फार्मास्यूटिकल एड्स आर द सब्सटेंस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट दे आर एसेंशियली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स लाइक टैबलेट, इंजेक्शन, इमल्सन, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। तो फार्मास्यूटिकल एड्स जो होते हैं क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में, ठीक है, और जिनकी जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, हल्का हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, उसका हो भी सकता है नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं एक तरीके से, जो कि हेल्प करते हैं, जैसे इमल्सन हो गया, ठीक है, ऑइंटमेंट वगैरह में जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह में, टेबलेट बनाने में, बाइंडिंग एजेंट वगैरह, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल एड्स है, ठीक है, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, होता भी है तो कम होगा। तो बस ये याद रखना, डेफिनेशन अगर पूछी जाती है आपसे एक नंबर में तो आप इतना ही लिखेंगे कि जो मैंने ब्लैक कर रखा है ना, जो डार्क जो मैंने ब्लैक कर रखा है, ये आप इतना भी लिख देंगे ना, फार्मास्यूटिकल एड्स आर नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट दे आर एसेंशियली यूज, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है नहीं होता है, होता भी तो कम होता है, पर इनका जो एसेंशियली यूज है ज्यादातर इनका यूज होता है फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को बनाने में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड्स आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन, स्टेबलाइजेशन, एसिडिफिकेशन, एल्कलाइजेशन, सस्पेंडिंग एक्सिपिएंट्स, एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टेबलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन एक्सेट्रा। तो फार्मास्यूटिकल एड्स जो यूज किया जाता है वो प्रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, उसके एसिडिफिकेशन, सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे, एक्सिपिएंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ऐड किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के साथ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन में काम करते हैं और प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ऑक्सीजन से बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये इसके यूज है। दे मे बी प्रेजेंट इन द फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और मे जस्ट हैव कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद इट ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो इनको जो फाइनली क्या किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो है इनका जो है तैयार किया जाता है फाइनली, और इनको जो है ये इनका क्या होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट होता है किसका, प्रिपरेशन के टाइम पे, जब प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, मेडिसिन को बनाने की, तो इनका क्लोज कॉन्टेक्ट होता है उससे, ठीक है, इनको ऐड किया जाता है। सोर्सेज क्या है फार्मास्यूटिकल एड्स के, कहाँ से मिलते हैं, प्लांट सोर्स से मिलते हैं, एग्जाम्पल एलोय, एलोवेरा, टर्मरिक और रोज स्टार्च, ये प्लांट सोर्स से मिलते हैं। एनिमल सोर्स, एनिमल्स वगैरह से मिलते हैं, बीस वैक्स, जेलेटिन, हनी, लैक्टोज और वुल फैट। तो ये लैक्टोज जो है एक शुगर भी है, ठीक है। तो बीस वैक्स ये पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे
तो फार्मास्यूटिकल एड्स के एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन प्लांट सोर्स से क्या मिलता है, एनिमल सोर्स से क्या मिलता है और मिनरल सोर्स से क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मिनरल सोर्स से क्या मिलता है, चाक, ताल, काउलिन और बेंटोनिट। देखो इसमें ये फार्मास्यूटिकल एड्स जो है ना आपका फार्माकोग्नोसी में भी आएगा, तो फार्माकोग्नोसी में और जो है ना इनका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसे टर्मरिक का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है, ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक यूज, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, तो ये सब चीजें उसमें भी आ जाएगी, तो ये वहां भी आपका जो है रिपीट हो जाएगा। तो ये इसके सोर्स हो गए फार्मास्यूटिकल एड्स के। उसके बाद सिंथेटिक, सिंथेटिक में क्या है, सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं, सिंथेटिक बनते हैं, इसमें एसिटिक एसिड आ जाएगा, बोरिक एसिड आ जाएगा, सिट्रिक एसिड आ जाएगा और डेक्सट्रोज, ये एग्जांपल हो जाएंगे इसके। द सब्सटेंस यूज एज ए नेचुरल ओरिजिन एज ए फार्मास्यूटिकल एड्स आर कंसिडर एज ए ड्रग। ठीक है, जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं नेचुरल ओरिजिन के तौर पे, उनको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल एड्स के उसमें बनाने में, जो है सहायक के तौर पे यूज किया जाता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए ड्रग कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, ड्रग कंसिडर करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है फार्मास्यूटिकल एड्स का, ये मैंने क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, ये मैंने इसमें चार्ट में कवर कर दिया और फिर एग्जांपल के साथ है, ठीक है, तो ये आप इसको जो है एक एक नंबर पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप लिंडा ब्लैक में, तो इनको आप कवर कर लेना इससे। तो जैसे मैं आपको एक दो बता देता हूं, मैं इसमें जैसे कलर्स में आ जाएंगे, कलर्स में टर्मरिक आ जाएंगे, सेफ्रोन, इंडिगो आ जाएगा, कैरामिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। क्लास डिवीजन की और ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एसिडुलेंट, इसमें टेमेरिन, लेमन जूस वगैरह आ जाएंगे, और डिसइंटीग्रेटिंग में स्टार्च वगैरह, सीएमसी, सेलियम हस्क और माइक्रोक्रिस्टालिन सेलुलोज भी आ जाएंगे डिसइंटीग्रेटिंग में। तो इसमें मेन मेन कर लेना, जैसे कलर्स में कौन कौन से आ रहे हैं, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट में कौन कौन से हैं, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी इनसे ज्यादातर बनते हैं। तो इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट में जैसे अकेशिया है, अगार है, जेलेटिन है, एल्जीनिक एसिड है, बेंटोनिट है, मिथाइल सेलुलोज है और ट्रेगाकैन ग्वारगम। तो ये जो आपके आ रहे हैं ना, ये आपके फार्माकोग्नोसी में भी आएंगे, फार्माकोग्नोसी में भी यही चैप्टर आपका जो है ना एक अलग से दिया हुआ है, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा। उसके बाद आगे क्या है इसमें, तो ये आप तैयार कर लेना, ठीक है, चार्ट मैंने आपको अलग से दे दिया है, ये एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लेवर्स आ गए इसमें, फ्लेवर्स में कार्डमम आ गया, रोज आ गया, रोज, न्यूटमेग, सिनामोन, बेंजल्डिहाइड, एरेथॉल, लेमन ऑयल, ऑरेंज पिल, तो ये सारे जो है आप इसमें से ज्यादा नहीं, छह सात याद कर लेना, उनसे जो मेन मेन है वो याद कर लेना आप, जैसे स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है, जैसे आपका दिया हुआ है जैसे आपका को इसमें दिया हुआ है टॉपिक में, तो वो आपका दिया हुआ है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट में तो मैंने आपको बताई दिया, फ्लेवर्स में ये आपको मैंने बताई दिए, स्वीटनिंग एजेंट में आपके अर्नी आ जाएगा, सैक्रिन आ जाएगा, ग्लाइसी रिजा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ग्लाइसी रिजा, व्हाट इज द ग्लाइसी रिजा, तो ग्लाइसी रिजा क्या है, एक स्वीटनिंग एजेंट है, सोर्बिटोल, सोर्बिटोल भी एक स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, एग्जाम्पल के विद एग्जाम्पल। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट है, मैं आपको ये बता देता हूँ सिंपल सा, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जो होते हैं वो स्मेल, ठीक है, सेंस के तौर पे, ठीक है, टेस्ट करना, ठीक है, पता लगाना उसके टेस्ट को, ठीक है, तो जिससे हमें पता क्या पता चलता है, उसके ऑर्गेनिक जो और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना उसके बारे में पता चलता है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट प्रमोट अपेरेंस एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं इसको, उसकी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की जो एबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी होती है उसको, अपीयरेंस उसको तैयार करने में, और कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस को। इसमें कलरिंग आ जाते हैं, फ्लेवरिंग आ जाते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक में जैसे कलर के तौर पे पता लगाते हैं, फ्लेवर के तौर पे पता लगाते हैं कौन सा फ्लेवर यूज किया गया है, स्वीटनिंग एजेंट कितना मीठा है,
तो ये क्या है, इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है सारी, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट्स आर ग्रुप टुगेदर एज ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। तो कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट, ये इन तीनों के ग्रुप को मिलाकर क्या बनते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें अब देखते हैं हम कलरिंग एजेंट, ठीक है। इसमें तीन दिए हुए आपके, मैंने इस टॉपिक में बेसिकली तीन कवर किए हैं जो हमें पढ़ने हैं, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और जो कि पीसीआई के लेवल के अकॉर्डिंग भी है, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट, द कलरिंग एजेंट्स आर यूज इन द डोजेज फॉर्म, यूज होते हैं डोजेज फॉर्म में टू इम्प्रूव द अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस को क्या कराते हैं, प्रमोट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। कलरिंग एजेंट्स ऑल्सो यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलरली इन पॉइजनस मटेरियल। जो कलरिंग एजेंट होते हैं वो यूजफुल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में, प्रोडक्ट का पता लगाने में, ठीक है, और उसके मटेरियल को लेकर। कलरेंट हैज नो डायरेक्ट थेरापेटिक इफेक्ट बट हैज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जो कलरेंट होते हैं, जो कलरेंट होते हैं उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बट उनका थेरापेटिक इफेक्ट जो है नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट इंप्रूव कराते हैं प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस को, पहली चीज। कलरिंग एजेंट जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। कलरिंग एजेंट का कोई जो है थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट का जो है हो सकता है, ठीक है। दे आर थ्री सोर्स ऑफ कलर। अब इनके तीन सोर्स बताए कलर के कौन कौन से तीन सोर्स है, ठीक है। तो मिनरल्स से, प्लांट से और एनिमल किंगडम से, ठीक है। ये इनके तीन सोर्स है, मिनरल, प्लांट और एनिमल किंगडम। मिनरल सोर्स में क्या क्या देंगे, ओनली यूज फॉर एक्सटर्नली अप्लाइड प्रिपरेशन। इनको केवल यूज किया जाता है एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर तैयार करने के लिए, ठीक है। बाहरी तौर पर इनको जो है अप्लाइड किया जाता है, बाहरी तौर पर तैयार करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे फेरिक ऑक्साइड रेड एंड येलो, ठीक है, कार्बन ब्लैक आ जाएगा, लिड क्रोमेट और प्रूशियल ब्लू। ये इसके क्या हो जाएंगे, इसमें हम इनको इंक्लूड करते हैं मिनरल्स कलर्स में। तो मिनरल्स कलर्स में कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल जो है याद कर लेना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा वाला आएगा, प्लांट का आएगा। प्लांट से हमें कौन कौन से कलर्स मिलते हैं, कलर सोर्स फ्रॉम प्लांट इंक्लूड्स। प्लांट सोर्स से कौन कौन से कलर मिलते हैं, फ्लेवोन्स, फ्लावर्स में रूटीन, राइबोफ्लेविन्स, हेस्पेरिडिन, क्वार्सेटिन, बीटा कैरोटिन, येलो कलर, ठीक है। तो ये किसने मिलते हैं, फ्लेवोन्स के मिलते हैं, सेफ्रोन एंड एलिजेरिन, रेडिश येलो, ठीक है। सेफ्रोन और एलिजेरिन से हमें रेडिश येलो कलर मिलता है, ठीक है। अदर से हमें एलिजेरिन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये हमें किससे मिलते हैं, अदर से, ठीक है। एनिमल सोर्स में टायरिन ब्लू फ्रॉम ग्लैंड ऑफ स्नेल, जो स्नेल की ग्लैंड होती है, जो स्नेल की ग्लैंड होती है उससे मिलता है टायरिन ब्लू, ठीक है। कोचिनिल एंड इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है कोकस कैप्टी, ये इसकी वो क्या है, इसकी फैमिली है कोकस कैप्टी, कंटेनिंग ए ब्राइट रेड कलर, ये कंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद पाया जाता है ब्राइट रेड कलर, ठीक है, कार्बिन एसिड, ये हमें मिलता है कोचिनिल, इसलिए इसका नाम पड़ गया किसे, कोचिनिल जो है ये किससे मिलता है, कोकस कैप्टी से, उसके नाम पड़ गया कोचिनिल। कार्बिन एसिड क्या मिलता है, इससे एक हमें केमिकल मिलता है, सिंथेटिक कलर, जो कि आर्टिफिशियली क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं सिंथेटिक कलर में, कैटेगराइज करते हैं इनको थ्री कैटेगरी में बाय एज पर FDA US, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है US का, वो इनको तीन कैटेगरी में जो है इनको कैटेगराइज करता है, ठीक है, जिसमें कलर परमिटेड फॉर फूड ड्रग कॉस्मेटिक्स FND, कलर परमिटेड फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, कलर परमिटेड फॉर एक्सटर्नली, ठीक है, फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक के तौर पे इनको परमिटेड करता है, और एक्सटर्नली अप्लाइड बाहरी तौर पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सटर्नली। अब इसमें सोल्यूबल डाई ड्राइव होती है पेट्रोकेमिकल से, जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, पानी में घुल जाती है, ठीक है, सोल्यूबल डाई।
कोल तार कलर्स जिसमें नेपथॉल ब्लू ब्लैक ब्रिलियंट ब्लू रेसोर्सिन ब्रोन सनसेट येलो और टेट्रा है। ये कोल तार कलर से क्या होते हैं ऑप्टेन किए जाते हैं मिलते हैं ठीक है। लैक पिगमेंट पिगमेंट जो चिपचिपा पदार्थ होता है प्लांट के उससे ओरिजिन से प्लांट के उससे मिलता है खाल से मतलब उसके लकड़ी जो होती है कुछ प्लांट होते हैं क्या देते हैं पिगमेंट देते हैं। इन सोल्यूबल इन वाटर तो पिगमेंट क्या है पिगमेंट चिपचिपा पदार्थ होता है तो वाटर में तो सोल्यूबल होगा ही तो ये क्या होता है वाटर में इन सोल्यूबल होता है। सो चॉइस फॉर ऑयल्स फैट एंड लिपिड फॉर्मुलेशन तो इसको यूज किया जाता है इसमें ऑयल्स वगैरह में फैट्स वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं लिपिड फॉर्मुलेशन वगैरह जो तैयार की जाती है उसमें इसको यूज किया जाता है लेक पिगमेंट्स का। प्रिपेयर्ड बाय एडसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन ऑफ मेटल साल्ट ऑफ ए डाइओनिक बेस ऑफ एल्यूमिना एल्यूमिना हाइड्रेट तो इसको यूज किया जाता है इसको ऐड किया जाता है मेटल साल्ट के साथ ठीक है डाई में बेस ऑन एल्यूमिना हाइड्रेट ये इसको तैयार किया जाता है। ऑनली एल्यूमिना लेक परमिटेड फॉर यूएस इन एफडीए ये केवल जो है यूएस एफडीए जो है एफडीए के यूज इन एफडीए एफडीसी एफडीसी एक वो होती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको क्या करती है परमिट करती है। फ्लेवरिंग एजेंट में फ्लेवरिंग एजेंट तो कलरिंग एजेंट में मैंने आपको बता दिया ठीक है कहाँ कहाँ से जो है कलर्स का जो है कलरिंग एजेंट को लिया जा सकता है ठीक है उसके एग्जाम्पल बता दिए। फ्लेवरिंग एजेंट में आ जाएंगे आपके द फ्लेवरिंग एजेंट्स आर क्या होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स द फ्लेवरिंग एजेंट्स आर इंक्लूड टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो इम्प्रूव कराते हैं किसको प्रोडक्ट को टेस्ट को लेकर प्रोडक्ट के टेस्ट को इम्प्रूव कराते हैं आइदर बाय प्रोवाइडिंग ए मोर प्लेजेंट टेस्ट और बाय मास्किंग द अनप्लेजेंट टेस्ट ठीक है मेक मेडिसिन प्लेटेबल यानी जो दवाई कड़वी होती है ठीक है कुछ मेडिसिन क्या होती है कड़वी होती है तो उनके टेस्ट को छुपाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स का ठीक है जो कि टेस्ट को क्या करते हैं इम्प्रूव करने का काम करते हैं ठीक है। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं जो कि टेस्ट को इम्प्रूव करने का काम करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं जो है प्लेजेंट टेस्ट ज्यादा प्लेजेंट बनाते हैं ठीक है मास्किंग कराते हैं प्लेजेंट टेस्ट की ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट्स मे बी क्लासिफाइड थ्री कैटेगरी इसको तीन कैटेगरी में हम इसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पहला जो नेचुरल तौर पर लिए जाते हैं आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं ठीक है सिंथेटिक आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अब इन दोनों को जोड़कर बन गया है क्या इन दोनों को जोड़कर बन जाती है इसकी तीसरी कैटेगरी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ये इसकी थर्ड कैटेगरी होती है। तो अब इसको जो है बारी बारी समझते हैं इसका तीन टाइप से क्लासिफिकेशन है। पहला आ जाएगा नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट में क्या आते हैं उनके एग्जाम्पल तो यहां से भी आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है ठीक है। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट में एग्जाम्पल आप याद कर लेना ठीक है वहां से जो है इसमें आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ये प्रिपेयर्ड किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन से इसके एक्सट्रैक्शन से जो प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे तैयार किए जाते हैं नेचुरल तौर पे। प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन सोलवेंट एक्सट्रैक्शन ठीक है कोई सोलवेंट है उससे निकाले जाते हैं ठीक है किसी जो है प्लांट में कट लगाकर उससे निकाले जाते हैं। डिस्टिलेशन की प्रोसेस ये सारी प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन हो गया एक्सट्रैक्शन हो गया ठीक है तो एक्सट्रैक्शन वगैरह सारी प्रोसेस होती है ये आएगी आपके अगले उसमें फार्मास्यूटिक में अगले इसके बाद जो चैप्टर आएंगे ना उसमें जो है ये सारी प्रोसेस आएगी। इसके ड्रॉबैक क्या है नेचुरली फ्लेवरिंग एजेंट्स अनस्टेबल जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं ठीक है इनको निकाला जाता है बताया प्रोसेस कौन कौन सी होती है इसमें डिस्टिलेशन होती है एक्सट्रैक्शन होती है ठीक है सोलवेंट से निकाले जाते हैं एग्जाम्पल जैसे सिट्रस ऑयल तो सिट्रस ऑयल से जो है लिया जाता है अनीस कार्डेमोम ठीक है विल्ड चेरी लेमन ऑरेंज बिटर पेपरमिंट ये क्या है इसके एग्जाम्पल है इनसे फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं लिए जाते हैं ये क्या है नेचुरली आर्टिफिशियली तौर पर जो बनाए जाते हैं
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आर यूजुअली स्टेबल होते हैं, हैव ग्रेटर कंसिस्टेंसी, इनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, अच्छी होती है, एंड डिक्रीज इम्पैक्ट को डिक्री रॉ मटेरियल मटेरियल चेंजेस फ्रॉम, जो रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल पे क्या करते हैं, चेंज ला देते हैं। तो आर्टिफिशियली है तो आर्टिफिशियली में क्या होता है, आर्टिफिशियल भी इनके स्टेबल होते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, चेंज ला देते हैं। द फ्लेवर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो फ्लेवर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, कंसिस्टेंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स लाइक अनीस, क्लोव, फेनल, लेमन, ऑरेंज, विंटर ग्रीन ऑयल्स, और ऑफ देयर सेपरेट फैक्शन सच एज मैंथोल, थायमोल और कैम्फोर, ठीक है। जो फ्लेवर्स होते हैं उनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो है कंसिस्ट किया जाता है, जैसे वोलेटाइल ऑयल में जैसे आ जाते हैं अनीस, क्लोव, ये तो बताइए इसकी क्या एग्जाम्पल है, इनसे क्या किया जाता है, वोलेटाइल जो फ्लेवर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू सेपरेट किया जाता है, फ्रिक्शंस के थ्रू, यानी इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ऑयल से फ्लेवर को अलग किया जाता है, ऑयल से फ्लेवर को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, इसमें किसके थ्रू किया जाता है, फ्रिक्शंस की एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू, सच एज मेंथोल, ये इसमें जैसे ये फ्लेवर्स है मेंथोल, थाइमोल और कैम्फोर, तो कैम्फोर क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, बेंजाल्डिहाइड आ जाएंगे, बेंजाल्डिहाइड आ जाएगा, सिनेमिक एल्डिहाइड, क्यूमरिन, इथाइल, मिथाइल कीटोन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेचुरल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स तो मैंने दो क्लियर कर दिए, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, अब इन दोनों से मिलकर बनते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर सिस्टम इन विच नेचुरल फ्लेवर्स आर कंबाइंड विद आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को मिलाकर बनते हैं, ठीक है, जो कि इनहेंस करते हैं फ्लेवर बैलेंस को और फुलनेस को। फ्लेवर इनहेंसर्स होते हैं, ये पोटेंटेटर्स होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, शुगर आते हैं, शुगर्स आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, सिट्रिक एसिड आ जाएगा, मैलिक एसिड आ जाएगा और टार्ट्रिक एसिड आ जाएगा, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे नेचुरल आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट के। कॉमन साल्ट आ जाते हैं इसमें, NaCl, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, तो अमीनो एसिड क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के क्या होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, एग्जाम्पल मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पाइसेस, पेपर्स, मोनो अमीनो अमोनियम ग्लाइसिन, रिजिनेट, ये इसकी क्या एग्जाम्पल है, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तौर से क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, अब ये आपका लास्ट है, स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, इसमें भी इसकी कई वेरायटी आ जाती है स्वीटनिंग एजेंट में। तो स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, टेस्ट इन अगेन एक केमिकल सेंस एंड इट्स एप्रिसिएशन रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्ट बिटवीन द टेस्ट पास पॉजिंग मटेरियल्स एंड द 9000 टेस्ट वर्थ इन द होल कैविटी। जो टेस्ट है उसको गेन करते हैं केमिकल सेंस के तौर पे, ठीक है, पता लगाते हैं, एंड इट एप्रिसिएशन रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है कि जब कॉन्टेक्ट होता है, जो टेस्ट पट पर जब कॉन्टेक्ट होता है टेस्ट पट से, तो किसका स्वीटनिंग क्या पता चलता है कि उसके टेस्ट का पता चलता है कि वो कितना मीठा है या कैसा है, ठीक है। तो पॉइजनिंग मटेरियल एंड 9000 टेस्ट पट जो है ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है जो है उसके टेस्ट के बारे में। फोर प्राइमरी टेस्ट, स्वीट, बिटर, सोर, स्लाइन, जो मेन टेस्ट जो पाए जाते हैं हमारी ओरल कैविटी में, जिसमें स्वीट मीठा होता है, बिटर कड़वा, सोर ये नमकीन, स्लाइन, आर रिकग्नाइज एंड ऑल द अदर टेस्ट आर कंसिडर, ठीक है।
और अदर कैट इनके अलावा जो है अदर टेस्ट भी क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं टू बी एड मिक्सचर ऑफ वन और मोर फंडामेंटल टेस्ट इन वेरिंग डिग्रीज, जो कि क्या करते हैं इस इनसे जो है फंडामेंटल टेस्ट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं इनसे वेरी करते हैं इनमें। स्वीटनर्स आर ऑफ्टन अक्सर क्लासिफाइड एज आइदर कैलोरिक और नॉन कैलोरिक, तो स्वीटनर्स को हम जो है अक्सर क्लासिफाइड करते हैं ठीक है कैलोरिक और नॉन कैलोरिक के तौर पर। नॉन कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है जो नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। नॉन कैलोरिक जिनमें क्या होती है कैलोरिक नहीं के बराबर होती है ठीक है, जैसे शुगर फ्री वगैरह है तो वो शुगर पेशेंट वगैरह को दिए जाते हैं ठीक है, तो क्या होते हैं नॉन कैलोरिक होते हैं, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा ठीक है। तो शुगर फ्री क्या है नॉन कैलोरिक है, तो उसमें ये आ जाते हैं। अब इसमें आगे इसमें इंक्लूड करते हैं अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया है ठीक है, ये इसमें दोबारा रिपीट हो गया है हाँ, ये इसमें मैंने टेबल दी है, इसमें आप जो है इसके एग्जाम्पल कर कैलोरी के अंदर कौन कौन से हैं और नॉन कैलोरी के अंदर कौन कौन से हैं ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल के तौर पे ठीक है। मैंने दोनों का एग्जाम्पल दे दिया आपको एक फ्लोचार्ट में दे दिया ठीक है। कैलोरिक में सुगर्स में जैसे आ जाएंगे अदर्स में आ जाएंगे, तो सुगर्स में कौन कौन से आ जाते हैं सुक्रोज आ जाएगा, सुगर कैन आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रुक्टोज आ जाएगा, ये आपके सुगर्स हो जाएंगे। कैलोरिक है ये किस में आ रहे हैं ये कैलोरिक में आ रहे हैं सुगर सुगर कैन और ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अदर्स में हनी अगेव सिरप टोपी टोपियोका और टोपियो टेपियोका सिरप ये इसमें आ जाएंगे नेचुरल सुगर्स में। नॉन कैलोरिक में नेचुरल इंटेंसिव स्वीटनर्स नेचुरली ठीक है, जिसमें स्टेबियोल ग्लाइकोसाइड ये क्या है नॉन कैलोरिक है स्टेबियोल ग्लाइकोसाइड। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कैलोरिक में मॉडिफाइड शुगर जिनको मॉडिफाइड किया गया है ठीक है, जो एक से ज्यादा शुगर से मिलकर बनते हैं मॉडिफाइड शुगर में, ग्लूकोज सिरप डी मनूज आइसो मल्टुलोज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इन्वर्टेड शुगर ये क्या है ये कैलोरिक है। शुगर एल्कोहल्स आ जाते हैं इसमें ठीक है, शुगर एल्कोहल्स में सोर्बिटोल ज़ाइलिटोल मैनिटोल तो ये सारे क्या है ये शुगर एल्कोहल्स में आते हैं ठीक है, ये शुगर एल्कोहल्स है ठीक है आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये बनाया गया इनको ठीक है। नॉन कैलोरिक में इनमें कैलोरिक क्या होगी नहीं के बराबर होगी नॉन कैलोरिक होगी। सिंथेटिक इंटेंसिव स्वीटनर जो कि आर्टिफिशियली बनाए गए ठीक है सिंथेटिक, इसमें एसिसल्फाम के एस्पार्टम सोडियम सैक्रिन सुक्रालोज सोडियम साइलामेट तो ये क्या है ये नॉन कैलोरिक है। तो इसमें आप जो है इसके एग्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि इनसे है ना आपके जो है क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है ठीक है, कौन से कैलोरिक है कौन से नॉन कैलोरिक है ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं आगे क्या है। द कॉमनली यूज स्वीटनर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर सुक्रोज यानी शुगर, सुक्रोज को शुगर ही बोलते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सोर्बिटोल और ग्लाइसरीन ठीक है, ये कॉमनली क्या किए जाते हैं स्वीटनर के तौर पर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका क्या किया जाता है यूज किया जाता है ठीक है। मैनिटोल ट्रिपल टैबलेट मैन्युफैक्चर लेस हाइग्रोस्कोपिक, जो मैनिटोल जो होता है वो ट्रिपल टैबलेट वगैरह जो होती है उनको मैन्युफैक्चर करने में इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है, ये क्या होता है कम हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते ठीक है, पानी हाइग्रोस्कोपिक यानी पानी से क्या हो पानी बढ़ने में क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं ठीक है, लेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी पड़ते ही क्या हो जाए फूल जाए, पानी को क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये क्या होता है लेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अभी तक कौन कौन से हैं ये मैंने आपको वही रिपीट हो गया सेम ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर यूज इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन मेक फॉर्मुलेशन, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वो यूज किए जाते हैं बहुत छोटे अमाउंट में जो कि फॉर्मुलेशन में जो है तैयार जो है यूज किए जाते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं सैक्रिन को एस्पार्टम साइलामेट
साइक्लामेट एसी सल्फाम की और एसी सल्फा, तो ये क्या इसके एक तरीके से इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने चार्ट दिया ना उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना इसका इसको जो है याद करना, इससे ये है ना आपको आसानी होगी कौन सा कैलोरी है और नॉन कैलोरी है, तो इसमें क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है कैलोरी नॉन कैलोरी। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद आपका जो है लेक्चर नंबर टू आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं इसकी पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो जब तक आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे।